धन्यवाद करते हैं जीसस क्रिस्ट, आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस, मेरा जीसस, मेरा प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। यीशु नाज़री, एक बार फिर से आपके हजूरी में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु ये सुनहरा अवसर पावन बेला आप हमें इसीलिए दिए हैं कि हम आपके हजूरी में आए और आपके दिए हुए आशीषों के लिए, किए हुए उपकारों के लिए, कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए हम आपको धन्यवाद दें। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें, आदर और सम्मान भी करें। तो देख प्रभु, आपके हजूरी में हम आए हैं, हाँ आपके दिए हुए आज के सुंदर शाम के इस सुंदर बेला में प्रभु, आज के सुंदर संध्या काल के, आपके दिए हुए आज के आनंद में रात्रि के इस सुंदर समय में प्रभु जी, आपके हजूरी में हम आए हैं, आपके पांव पवित्र चरणों के निकट घुटने पे हैं। और हाँ प्रभु जी, आज के पूरे दिन में जो आशीषें आप हमें दिए हैं उसके लिए, आज के पूरे दिन में जो उपकार आप हमारे ऊपर किए हैं उसके लिए, आज के पूरे दिन में जो चमत्कार आप हमारे साथ रह करके किए हैं, जो काम कर आश्चर्य कर हमारे जीवन में किए हैं उसके लिए तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से लाखों लाख कोटि कोटि हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, महिमा प्रशंसा हो कि सुबह से लेकर शाम तक आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है और आगे भी बना रहेगा प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय प्रभु का अनुग्रह, उसका दया, कृपा, प्रभु तक करुणा आपके ऊपर रहेगा। आप चंगा भला रहेंगे, सुखी से रहेंगे, हाँ सब प्रकार के आशीषें भी आपके जीवन में बना रहेगा, कभी घाटी में नहीं होंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए। महान खुदा, धन्यवाद करते हैं। स्तुतियों में वास करने वाले सहायता कर, मदद कर खुदा, आपकी स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सहायता कर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो प्रभु। आज के पूरे दिन हमारे निकट रहकर, करीब, नज़दीक, पास, समीप रहकर हमें संभालने वाले प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा ख्याल रखने वाले प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा देखभाल करने वाले, देख रेख करने वाले खुदावन यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी ज़रूरत की चीज़ें, आवश्यकताएँ की चीज़ें बहुत दाद से हमें देने वाले खुदावन यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, आगे भी आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे, आने वाले दिनों में भी प्रभु, समयों में भी आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कर प्रभु, एक एक बच्चन और जान, बड़े बुजुर्ग, हाँ एक एक मसीह भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं, ताकि सब प्रभु स्वस्थ रहे, चंगा वाला रहे, कुशल रहे और दिन प्रतिदिन उन्नति करते हुए चले जाए। सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते, आपकी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु, तारीफ बड़ाई हो प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक 121 अध्याय के उसका 4 और 5 पद के वचन को देखेंगे। ये जीवित वचन बोलता है कि सुन इसराइल का रक्षक, न कभी ऊंघेगा और न कभी सोएगा। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर, तेरी आड़ है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, ये वचन सिर्फ इसराइली लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन सबों के लिए भी है जो प्रभु की सुनते और मानते हैं, उसके भय में अपने जीवन को बिताते हैं, वही करते हैं जो वो चाहता है, यानी कि प्रभु की इच्छा में जो चलते हैं। ये वचन उन लोगों के लिए भी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु उन लोगों के दाहिनी ओर, उन लोगों का आठ है, वो उनका रक्षक है। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से आपकी कुछ हानि होगा। रात हो या दिन, प्रभु अपनी आंखें आपके ऊपर गड़ाए रखेगा कि आप पे सेफ रहे, सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, चंगा भला रहे, जीवितों के उज्याला में चले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रभु कभी ऊँगता नहीं है, कभी वो झपकी नहीं लेता, कभी नहीं सोता। वो अपनी आँखें हमारे ऊपर गड़ा रखता है कि हम अच्छे से रहे, चैन से रहे, सुख पाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, प्रभु की सुनिए और मानिए। सुनकर भूलना नहीं है, वचन ही प्रभु है। आप वचन को पढ़ते हैं, उसको अपनाइए, उस पर चलिए, उसके अनुसार ही अपने जीवन को बिताइए। प्रभु आपका रक्षक बनेगा, आपका सहायक ढाल बनेगा। हाँ, सच में वो आपका ख्याल रखेगा, आपका कुछ हानि होने नहीं देगा, नुकसान होने नहीं देगा, आपका कुछ बर्बाद होने नहीं देगा, आपका कुछ बिगड़ने नहीं देगा, आपको किसी प्रकार का चोट लगने नहीं देगा, दर्द पीड़ा होने नहीं देगा, खतरनाक जानलेवा बीमारी से वो बचाएगा, सारे दिक्कत परेशानी से वो आपको बचाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की सुनेंगे, मानेंगे, प्रभु आपके दाहिनी ओर रहेगा कि आप सेफ से रहे, सुरक्षित रहे, चंगा भला रहे, स्वस्थ रहे, जीवित रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, इसराइल का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हाँ, जो इसराइल का परमेश्वर है, मूसा अब्राहम का परमेश्वर है, दानियल एलिया एलिशा याकूब योना का परमेश्वर है, सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है, वही आपका भी परमेश्वर है। और सुंदर सा वचन लिखा है कि कल आज और युगना युग हमारा प्रभु एक सा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बीते हुए दिनों में हमारा प्रभु महान था, आज के भी दिन में और आने वाले भी दिन में हमारा प्रभु महान है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हूँ।
मांगिए विश्वास से और प्रतीति कीजिए, आपको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उससे लिपटे रहिए, कभी गिरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, शर्मिंदा नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे। हमेशा आपका बचाव उसकी ओर से होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। महिमा प्रशंसा हो प्रभु, सहायता मदद गाइड कर दीजिए। पूरे दिन संभालिए, पूरे रात भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए। डरावना पूरा सपना से छुटकारा दीजिए, जिनको डरावना पूरा गंदा सपना आता है प्रभु से अनुग्रह कीजिए, सपना से छुटकारा दीजिए। जिनको गुप्त रोग है उनको छुइए और चंगाई दीजिए, शारीरिक तकलीफ से तनाव से छुटकारा दीजिए, हर एक प्रकार के तनाव से प्रभु जी छुटकारा दीजिए। जो किसी तनाव में, किसी प्रकार के तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं प्रभु, जो बहुत से फालतू बातें सोचते हैं, जिनके दिमाग में बहुत सी फालतू बातें, बेकार की बातें, बीती हुई बात गूंजता रहता है, उनको तुझु और चंगाई दे। जो बहुत से बातों को लेकर चिंता करते हैं और घबराते हैं, उनको भी तू विश्राम दे, चैन दे। उनके सारे चिंता को अपने ऊपर ले ले और उनको आराम दे, सुख दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। उद्धार करता प्रभु, धन्यवाद करते हैं। चट्टान ढाल किला गढ़ मेरा शरण स्थान। इस सुंदर शाम के वक्त जो कोई जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं, आप देने की कृपा करें। जिस किसी के लिए जो कुछ चाहते हैं, इनके चाहत को पूरा कर, उनके जीवन में कार्य कर। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह दे और कृपा कर दे, प्रभुता कर दे खुदा। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर, करुणा कर, तरस खा। एक एक वचन और जान बड़े बुजुर्ग को आपके हाथों में देते, ताकि सब प्रभु जीवित रहे, कुशल रहे, स्वस्थ रहे, जहाँ भी रहे ज्योति में रहे स्वर्ग के पिता। धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति हो। से हानि से, नुकसान से, चोट से बचाइए, सारे दिक्कत परेशानी से बचाइए। अनुग्रह का सबों के लिए प्रभु रक्षक, सहायक, डाल किला गढ़ शरण स्थान ठहर मेरे प्रियो। हाँ, सबों के लिए प्रभु भाला है, उसके निकट आइए, वो भी आपके निकट आएगा। उस पर विश्वास कीजिए, आपके जीवन में काम करेगा। नर्म और दीन बनिए, प्रभु बहुत बहुत चीजों का अधिकारी बनाएगा। नर्म लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, ऐसा लिखा है। जो प्रभु के सब आज्ञा को मानेंगे, प्रभु के सारे आशीर्वाद को पाएंगे। कौन कौन सी आशीर्वाद? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के वचन को पढ़िएगा, उसमें लिखा है प्रभु का कौन कौन सा आशीर्वाद आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता करुणा कीजिए। महान खुदा, धन्यवाद देते सुनाश्री, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु, तारीफ भी बढ़ाई हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सहायता कर, मदद कर प्रभु, मदद कर। धन्यवाद यीशु, मदद कर, गाइड कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु। हाँ मेरे प्रिय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जितने भी प्रभु का आशीर्वाद है प्रभु, वो सारा आशीर्वाद आज्ञा मानने वालों को देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप प्रभु के सब आज्ञा को अपने हृदय में रखेंगे, उसका पालन करेंगे, उसको मानेंगे, उसमें जितने भी आशीर्वाद लिखा है वो सारा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप पे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ ठहरेंगे। लिखा है कि जो कोई प्रभु के आज्ञा को मानेगा, प्रभु इतना आशीर्वाद देगा कि वो पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ ठहरेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। वो नीचे नहीं ऊपर रहेगा, वो पूछ नहीं सिरी ठहरेगा।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कभी पीछे नहीं होंगे, हालेलुया, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, हालेलुया, कभी नीचे नहीं होंगे, हमेशा ऊंचे पर रहेंगे, हालेलुया, सबसे आपका ऊंचाई ज़्यादा रहेगा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद है, सबकी स्तुति हो, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आप हमारे प्रार्थना को सुने, दुआ याचना को सुने, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु, बीमारों को छू लीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के अंदर अपनी आत्मा उढ़ेल करके उनको दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र कीजिए, छुटकारा दीजिए, सारे कर्जों से छुटकारा दीजिए, जो किसी बंद गृह में है बाहर निकालिए, शैतान के बंधन मिले जंजीरों से जकड़े हैं स्वतंत्र कीजिए, आपकी स्तुति हो प्रभु, सहायता कर प्रभु, मदद कर, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं प्रभु, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, रोज डेली, हाँ प्रतिदिन, सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए आप हमें दे सकते हैं, प्रभु उस पर ध्यान देगा और उसका उत्तर आपको हाँ आमीन में देगा, प्रभु आपको ब्लेस करें, गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।